नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। निर्वाचन एक खेल है। निर्वाचन आयोग का आयुक्त इलाज शर्मा के कहब, खेल में हार आ जीता वाला दोनों पक्ष के आयोग संतुष्ट करत। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग में विवाद, एक सदस्य सर्वोच्च अदालत पहुंचल। जनकपुरक फोहर व्यवस्थापन जटिल बन रहा, जनकपुरवासी गंदगी से परेशान। माओवादी केंद्र निकट पत्रकार सभक संस्था प्रेस सेंटर नेपाल अपन नेता छनौट कर रहा, प्रधानमंत्री द्वारा अधिवेशन उद्घाटन। आ रूस सीरिया के एलेप्पो शहर में आक्रमण नहीं रोकलक, सीरिया संग वार्ता तोड़बाक अमेरिका की चेतावनी। निर्वाचन आयोगक आयुक्त इला शर्मा, निर्वाचन एक खेल रहा आ इमे हार आ जीत होब वाला दुनू पक्ष के संतुष्ट कर के काज आयोग करत बतौलिये। जनकपुर में कल आयोग निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन निर्देशिका 2072 के विषय में सरकार वाला संघ के छलफल में आयुक्त शर्मा आयोग निर्वाचन में हारा आ जीता वाला दोनों समूह के संतुष्ट कर के पहल कदमी करत बतौलिये। आयोजन कुछ होते जिससे कुछ दल विशेष किसिम ने लाभ पुग्न सकोस्, इसको हमें तभी ठा छ नहीं अनुगमनकर्ता को व्यवस्था करेका हुन्छौं। स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षक हुन्छन्, दलहरु आफै हुन्छन् एकअर्कालाई वाच करने, नागरिक समाज र सबैभन्दा महत्वपूर्ण संचार माध्यम हुन्छन्। स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचन सबैको दायित्व हो। निर्वाचन आयोगले मात्रै निर्वाचन गुणलाई गुणात्मक अथवा एकदमै राम्रो एक्सिलेन्ट गराउन सक्दैन, यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो। वो कानून आचार संहिता से आयोग कठोर देखल गेल होइतो ओ सबके हित में रहल दावी केने अछि। आयुक्त शर्मा निर्वाचन के मिति दलीय सरकार के सुविधा के लेल नै भक आयोग के निर्णय अनुसार हो प्रत्यय धारण रखले। निर्वाचन मिति दलीय सरकार को सुविधा में होइन कि प्रेडिक्टेबल हुनु पर्छ, आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने अरु उपाय हुँदैन। संविधानले निर्वाचन संचालन को जिम्मा दिएको छ, हामीलाई नियन्त्रण को जिम्मा दिएको छ। यसमा के हुन्छ भने निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम हामीले गर्ने हो, निर्वाचन मिति रोक्ने समेत। संविधान सह निर्वाचन सम्पन्न कराव सम्पूर्ण जिम्मा आयोग के देल गेला से आयोग के तैयारी आ निर्णय अनुसार चुनाव सम्भव हैत। हुनकर कहब छलनि ओ आयोग समानुपातिक समावेशिता के लेल सेहो ठोस कदम उठाने दावी कैलिए। 50% महिला उम्मीदवार के संगे दल के प्रमुख पदाधिकारी सब में महिला के सहभागिता के लेल सेहो आयोग निर्देशन देने शर्मा बतौले। कार्यक्रम में सहभागी राजनीति कर्मी, संसार कर्मी, नागरिक समाजक अगुवा सहित सब आयोग जते कानून आ आचार संहिता बनेतो निर्वाचन में उम्मीदवार सब कार्यान्वयन नहीं केने बतौने छल। कार्यक्रम में जनकपुर उच्च अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र वीर सिंह बस्नेत, धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी दिलीप चापागाई, धनसाक प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्य, आयोगक सह सचिव लक्ष्मी यादव, सुशील कोइराला, कृष्ण खनाल कानून अधिकृत अरुण कुमार झा लगायत के उपस्थिति छल। आयोग उपस्थिति से सुझाव संकलन के काज सेहो कयने छल। सरकार स्थानीय निकाय के पुनर्संरचना करैत काल इलाका के मापदंड मान के काज कर निर्देशन दैतो स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग में विवाद बढ़ल अछि। आयोगक एक सदस्य सरकार के निर्देशन संवैधानिक मान्यता विपरीत रहल कहित अपने अस्वीकार करब बतौलक अछि। आयोगक सदस्य अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह सरकार बुद्धिन आयोग में पठौने निर्देशन संविधान विपरीत रहल कहित ओ के रोक सर्वोच्च अदालत पहुँचल अछि। ओ संवैधानिक आ स्वतंत्र आयोग के सरकार क्षेत्राधिकार नाइक देने निर्देशन मान नहीं सकब कहित कानूनी इलाज खोज सर्वोच्च के सर्वोच्च में पहुँचल अछि। सरकार के मापदंड तोक सकक अधिकार होइतो संख्या आ सीमाना तोकक अधिकार नहीं रहल हुनकर तर्क छन्। ओ नगरपालिका के यथावत राख आ निश्चित सीमाना रहल इलाका के आधार बनाब कह के अर्थ सरकार संख्या आ सीमाना सेहो तोय के काज कर खने हुनकर कहब छन्। सिंह सर्वोच्च के रिट शाखा में अपन रिट निवेदन बुझौने छथि। सर्वोच्च छलफल के बाद मात्र रिट दर्ता होब नहीं होब के सिंह के जानकारी करौलक अछि। आयोग 60% काम सम्पन्न भेल समय में फेर शून्य से काज शुरू कर कहनाइ स्वतंत्र आयोग ऊपर के हस्तक्षेप रहल सिंह के कहबै छ। आयोग के बृहस्पति दिन बैसल बैसार में अन्य सदस्य सब सेहो सरकार के निर्देशन प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयने छलथि। पिछला समय जहां तहां गंदगी देख वाला नगर बनल अछि जनकपुर धाम। गंदगी व्यवस्थापन के जिम्मा पने उप महानगर पालिका सक्रिय रूप में काज कयने दावी करितो
दृश्यमे ओहन नै देखामे अबैत अछि। दोसर दिस स्थानीयवासी सेहो गन्दगी व्यवस्थापनमे सचेत नै देखल गेल अछि। एक रिपोर्ट। ई जनकपुर उपमहानगरपालिकाक सड़क आ गलीक दृश्य अछि, जतय गंदगीए गंदगी देखाइत अछि। नगरपालिका रहल जनकपुर के सरकार किछु महीना पहिने मात्र बढ़ुआ कऽ उपमहानगरपालिका घोषणा केने छल। जनकपुर नगरपालिका सँ उपमहानगरपालिका बनल बादो कागज में मात्र घोषणा कयल गेल देखाइत अछि। जनकपुरक आधारभूत व्यवस्थापन दिस सेहो सरोकार वाला निकाय ध्यान नै देने देखल गेल अछि। एक दिस स्थानीय वासी जत तत गंदगी फेकैत अछि, त दोसर दिस जमा भेल गंदगी व्यवस्थापनक जिम्मा लेने जनकपुर उपमहानगरपालिका सेहो सक्रिय होबय नै सकल, ई दृश्य सँ प्रष्ट रहल अछि। जतय ततय दुर्गन्धक कारण जनकपुरवासी मात्र नै बाहरसँ आयल पर्यटक के सेहो समस्या भोग पड़ल अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका के गंदगी पिडारी चौक सँ उत्तर हाईवे साइड में आ बिस्पिटी स्थित दुधमतिक किनार में विसर्जन होइत आयल अछि। लैंडफिल साइटक स्थायी व्यवस्थापन भेल बादो समस्या देखल गेल उपमहानगरपालिकाक प्रमुख पुण्य प्रसाद लुइटेल बतबैत छथि। जनकपुरको ल्यान्डफिल साइट चाहिँ पहिलेदेखि नै दुधमती किनारमा फाल्ने गरिएको र केही दिनमा त्यो ल्यान्डफिलमा रहेका फोहोरहरू पुर्ने अवस्था रहेको र त्यहाँ अहिले हाल चाहिँ बस्ती विकास भएर त्यहाँ राख्न नहुने र स्थानीय स्तरबाट पनि अवरोध भइरहेको अवस्थामा ल्यान्डफिलको लागि हामीले धेरै ठाउँ कोसिस गर्दाखेरि सफल हुन सकिएन। गन्दगी सङ्कलन कार्यमा प्रत्येक दिन 5-7 ट्र्याक्टर आ ट्रिपर निकलैत अछि, मुदा अपर्याप्त साधनक कारण पूर्ण रूप में गंदगी व्यवस्थापन में कठिनाई भ रहल प्रमुख लुइटल स्वीकार कयलनि अछि। यो दसैँ तिहार छठ लगायतका राष्ट्रिय महत्व राख्ने चाडबाडको बेलामा अलिक बढी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसका लागि हामीले सरसफाइ शाखामा मिटिङ बसेर कुन दिन कसरी सरसफाइका कर्मचारीहरू र सरसफाइका इक्विपमेन्टहरू स्काइभेटरहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको एउटा हामीले स्ट्राटेजी प्लानै बनाउँछौँ। त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरा म उपमहानगरपालिका प्रत्येक दिन नियमित रूपमे गन्दगी उठाबैत आयल दाबी केने बादो स्थानीयवासी हप्ता आ महिना दिन धरिमे सेहो गन्दगी उठाब नै आयल आरोप लगबैत अछि। नगरपालिकाके सबसे बड़का दोषी मानै छै, नगरपालिका एको काज नै कर रहल है। ई जे जतेक समस्या भेल होइतो गन्दगी व्यवस्थापनमे पहिल भूमिका स्थानीयवासीके रहैत अछि, मुदा गंदगी व्यवस्थापन संबंधी जनचेतना नै भेल कारणे एक दोसर सब घर आगू गंदगी विसर्जन करबाक चलन रहल अछि। सी अहाँ के ई समाज के जे लोग छै उनका बुझले अपन अपन घर के पहर अपना अपना घर के आगू में नै रह के दोसर के घर के आगू में दोसर के फसल के आगू में जेना एकदम बजरंगी है मरवाड़ी है भूषण महेंद्र सब ई टोटल के घर के आगू में रख रह के त्या जनकपुर के सफा सुंदर दुर्गंध रहित बनाब सरकारी निकायक संगे स्थानीयवासी सेहो जागरूक आ जिम्मेवार होब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में हरिशंकर शर्माक साथ नवीन यादव की रिपोर्ट। जनकपुर में गंदगी व्यवस्थापन में समस्या देखल गेल अछि, एहि विषय में हम सब जनकपुर वासी से पूछने छलहुँ गंदगी व्यवस्थापन किया नहीं भ रहल छै, देखिए अहाँ के बात चिन्हा के तहिना। सफा नहीं करे
ओकरा ढौआ देलक तकरा सफा कर देलक ढौआ नहि देलक तऽ ओकरा ओहिना छोड़ि कऽ चलि गेल। पूर्वके अहाँके सफाइ सर सफाइमे सबसँ एकर जिम्मेवारी पायल निकाय नगर पालिका हइ, जकरा किनको संवेदनशील नहि हो नगर पालिका। आओर नगर पालिकाके साथ साथ यऽ कि स्थानीय नेता बुद्धिजीवी वर्ग सबके सेहो सबके कोनो बढ़िआँ शासन नहि हइ। बाजारके जे फॉर्म सब जे अइसे अहाँके सही ढङ्गसँ ओसब उठबै नहि छै। हम ई बात कहऽ चाहब सबसे पहिले, आओर एतय हम कर्मचारी सबके सबसे पहिले वह जे काम जे करै छै से रिश्वत खाके करै छै। सबसे पहिले हम ई कहऽ चाहब, ई सब जे अगर जे सुधार जे सबमे लबुक नगरपालिकाके तरफ से रोड विभागमे पालिकामे अहाँके पूर्णतया दोषी छै, ओ अहाँके सब सफाइ पर ध्यान नहि दै छै। ध्यानो देलक तऽ अहाँके 9-10-11 बजे उठेलक, कभी-काल उठेलक, भोरेके टाइममे नहि उठेलक। ओ पैसा दियौ तऽ सब सफाइ करत। सबसे बड़का लापरवाही अहाँके नगरपालिकाके हइ, आओर प्लस जनतो सब अहाँके आवाज नहि उठबै तऽ की कहबै। अहाँके बड़ विडम्बना हइ, उपमहानगरपालिका भऽ गेलै जनकपुर, लेकिन व्यवस्थापनमे फॉर महिला सब जतऽ हइ ओहिमे नगरपालिका दोषी हइ। फॉर व्यवस्था जे नहि भऽ रहल हइ से नगरपालिकाके सबसे बड़का दोषी मानै छी। नगरपालिका एको काज नहि कऽ रहल हइ, साफ सफाइके नाम पर किछु भइए नहि रहल छै तऽ कथी कहबै। सुनू, पालिका सेहो दोषी छै आ स्थानीय आदमी सेहो दोषी छै, किएक तऽ हम अपन आगूमे साफ कऽ लेबै लेकिन दोसरके आगूमे लगा देबै। ई दोषी अपन जनचेतनाके अभाव सेहो छै, के घरके आगूमे राखि दै छै आ ओहिसँ नगरपालिका किछु नहि ओहिके लागि कोनो कानून कार्रवाई नहि करै छै। अभी से ट्रैक्टर लऽ कऽ 1-2 महीनापर आ फॉर महिला उठा के लऽ जाइ छै, आ मतलब कोनो नहि। एहिमे तऽ नगरपालिकाके एकदम प्रमुख जे छै ओ तऽ कानमे करुआ तेल धऽ के सुतल हइ। घर घर से गन्दा महिला जे भी निकलै हइ सबके जे हइ से कतऽ लऽ कऽ जेतै, धरती तऽ कोनो जगही पर धरतै, ओहो जगह नहि मिलै हइ आदमीके जे धरऽवला। कोनो बक्सा हइ तऽ बक्सा पर धरो, ओहो कतौ बक्सा, कहीं कहीं बक्सा हइ कहीं नहि हइ, तऽ आदमी एनी ओनी चकवा गेल आ जहाँ देखलक जे से 2-4 गो ढेरी पोहर मेलाके ओहन जाके छुपारि देलक। हाँ, ताहिके बाद नगरपालिकाके ट्रैक्टर आयल, 2-4 दिन 5 दिन पायल, देखैत देखैत आयल तऽ ओ लऽ कऽ जे से चलि गेल हइ ने। अहिना कऽ करके हइ जहाँ तहाँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्के काज करके गति बहुत सुस्त रहल कहित निर्णय कार्यान्वयनमे आब किनको अबेर नहि करऽ चाही बतौलनि अछि। प्रस्ताविका संसदके अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिके आयोजनामे बृहस्पति दिन काठमाडौँमे शुरू भेल सार्के प्रभावकारिता सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनके उद्घाटन करैत प्रधानमन्त्री दाहाल सार्क 3 दशकके अवधिमे बेसी निर्णय करितो निर्णय कार्यान्वयनके अवस्था बेसी कमजोर रहलासँ आप फटाफट निर्णय कार्यान्वयन कऽ कऽ एहि क्षेत्रके जनताके प्रतिफल देबय पड़त बतौलनि अछि। ओ 3 दशकके बीचमे सहमति करके प्रतिबद्धता जनाबके आ संयन्त्र बनाबके काज होइतो सहमति आ प्रतिबद्धता कार्यान्वयन करऽ सार्कके संयन्त्र सब कामयाबी होबय नहि सकल कहित सार्क क्षेत्रके जनता आब बेसी धैर्य करके अवस्थामे नहि रहल दिस सार्कके ध्यान आकर्षण जाय पड़त बतौलनि अछि। सार्कके प्राय सदस्य देशके प्रतिनिधि सब सहभागिता रहल सम्मेलनमे प्रधानमन्त्री दाहाल सार्कमे प्राकृतिक स्रोत आ जनशक्तिके बड़का सम्भावना रहल कहित आब ओहि सम्भावनाके अवसरके रूपमे प्रयोग कऽ कऽ जनताके प्रतिफल देबयके दिशमे सदस्य देश सबके ध्यान जाय पड़त बतौलनि अछि। प्रधानमन्त्री दाहाल पाकिस्तानमे आगामी नवम्बर महिनाके लेल तय कयल गेल सार्कके 19वां शिखर सम्मेलनमे भारत लगायत विभिन्न 4 देश सहभागी नहि होबयके घोषणा कयने विषयमे अपना लिखित मन्तव्यमे किछु उल्लेख नहि कयलथि। नेपाल अखन सार्कके अध्यक्ष राष्ट्र अछि। कार्यक्रममे पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेके नेता माधव कुमार नेपाल सार्क केने निर्णय आ प्रतिबद्धता कार्यान्वयनके लेल सदस्य देश सब कान पर कान मिलाकऽ काज करय आवश्यक रहल बतौलनि। संसदके अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सार्कके गति सुस्त रहल कहित विगतमे भेल महत्वपूर्ण निर्णय सबके कार्यान्वयन सम्बन्धमे सुझाव देबयके उद्देश्यसँ सम्मेलन कयलक अछि। 2 दिवसीय सम्मेलनमे सार्कके 3 दशकके समीक्षा, आर्थिक सहायता, विश्वास आ समझदारी प्रवर्धन लगायतके विभिन्न 5 विषयमे कार्यपत्र प्रस्तुत कऽ छलफल करके कार्यक्रम अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमे हाल देखल गेल तनावके विषयमे निरीहपन प्रस्तुत केने आरोप लगौलनि अछि। एमाले अध्यक्ष ओली सार्कके अध्यक्षता केने नातासँ तनाव कम कराबऽ रेफरीके भूमिका निभावके बदला प्रधानमन्त्री दाहाल दर्शकके रूपमे पेश भेल आरोप लगौलनि अछि। पार्टीके सम्पर्क समन्वय कमिटी बृहस्पति दिन पार्टी मुख्यालयमे कयने कार्यक्रममे ओली भारत लगायतके देश
पाकिस्तान में तय कैल गेल 19वां शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेब के घोषणा कला के बाद सार के अस्तित्व नहीं रह जका देखल गेल। मुदा अ विषय में अध्यक्ष राष्ट्र के नाता से गंभीर भक ठोस पहल नहीं कह नेपाल गलती के बतौलन ओ खेल में के फॉल कलक आ के लाइन क्रॉस कलक से देख कर संवाद मार्फत तनाव घटाव पहल नहीं कह प्रधानमंत्री दहाल निर्यता प्रदर्शन के आरोप लगल ओ दहालू पर सार के अध्यक्ष राष्ट्र के भूमिका बुझ नहीं सकल आरोप से लगने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल अपन कार्यकर्ता आ मतदाता के प्रभावित कर जका अरबों रुपया वितरण कर लागल कहे प्रमुख सत्तारूढ़ घटक कांग्रेस असंतुष्टि जनौलक। प्रधानमंत्री दहाल शांति तथा पुनर्निर्माण मंत्रालय मार्फत सशस्त्र द्वंद्व में मारल गेल तथा बेपत्ता के परिवार घायल के इलाज खर्च आ अयोग्य लड़ाकू के नाम में करीब 16 अरब रुपया वितरण कर के कार्य योजना आगू बढ़ाला के बाद कांग्रेस असंतुष्टि जनौलक। प्रधानमंत्री भादव 23 में व्यवस्थापिका संसद में केने संबोधन कार्यान्वयन कर देने निर्देशन अनुसार शांति मंत्रालय कार्यान्वयन कार्य योजना आगू बढ़ौलक। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व अर्थमंत्री रामशरण महत शांति प्रक्रिया संग संबंधित विषय में दलीय सहमति कायम बिना केने एकलौटी ढंग से निर्णय केने कहते असंतुष्टि व्यक्त केने कांग्रेस एक पक्षीय रूप में निभा सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में मारल गेल अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सर्वसाधारण सुरक्षा कर्मी तथा कर्मचारी के परिवार से थप सुविधा पाव के तर्क रखने सशस्त्र द्वंद्व आ जन आंदोलन के 21,756 घायल के लिए 2,17,56,00,000 रुपया लागत के अनुमान है। प्रधानमंत्री दहाल सब घायल के इलाज के लिए 1,00,000 के दर से थप सुविधा देव के घोषणा कने। प्रारंभिक तथ्यांक में आधार में मंत्रालय 13,68,00,000 रुपया के कार्य योजना बनौने है मुदा तथ्यांक थप होब के भेला से 16 अरब रुपया लाग के मंत्रालय के अनुमान है। टेंट व्यवसायी संघ धनुषा जनकपुर में भेटघाट तथा चायपान कार्यक्रम कलक है। संघ धनुषा का अध्यक्ष बुधनाथ शर्मा की अध्यक्षता में जनकपुर कलवार कुटी में आयोजित भेटघाट तथा चायपान कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि धनुषा सहायक प्रमुख जिलाधिकारी राजेश गिरी टेंट व्यवसायी सब बेटी के ब्याह से लकर श्राद्ध धैर्य के काज में सहयोगी के भूमिका निर्वाह करते आयल से यथार्थ समाजसेवी उहे सब रहल बताने छथि। जिला भरी में काला बजार नियंत्रण करने बड़ी मूल्य लिए मुनाफा बड़ी खाने जेटी स्क्वायर सामान बेचने तलमाथी करें सामान उतरने मोनोपोली करने कार्टेलिंग करने ये सब कुछ रेट देख रेख नियंत्रण जिला प्रशासन सरकार ने अधिकारी देख एमर संघ धनुषा का अध्यक्ष शर्मा काज करा कर ग्राहक सब पारिश्रमिक देवन नहीं माने आ उल्टे धाक धमकी देव के समस्या रहल आ टेंट व्यवसाय सब से मनमोजी किस्म से गलत काज करते आयल आरोप से आयला से वही के व्यवस्थित बनाव आ पेशा के सुरक्षित बनाव संघ स्थापना कने बतौलन। वो संपूर्ण टेंट व्यवसायी सबके इस संघ में आबद्ध होब से आग्रह कल कार्यक्रम में विक्रो महतो विजय शाह शंकर शाह सुरेंद्र दास विनोद महतो राजेश शर्मा चंद्रभूषण चौधरी सहित के वक्ता सब अपन अपन मंतव्य रखने व्यवस्थापिका संसद में सांसद सबके भन्सार छूट के गाड़ी मांग भेल संसद के बृहस्पति दिन बैसार में विशेष सम्मेलन बजट कांग्रेस सांसद प्रेम किशोर शाह तेली सांसद सबके गाड़ी मांग कलक सांसद सब टेम्पू के प्रतीक्षा कक बैस नहीं सकत कहते तो 15 वर्ष धरि बेच नहीं पाव जका भन्सार छूट के लिए छूट के गाड़ी मांग कलक संगे वो सब सांसद के तलब भत्ता बढ़ावा से मांग के पत्र पत्रिका में सांसद सब के तलब भत्ता बढ़ल कह के आयल मुदा अपने सब वही अनुसार के नहीं पौने दावी से कने। महतरी के जलेश्वर में रहल राबी म कैंपस के प्रांगण भीतर में रहल खाली चौर धान खेती के लिए नहीं भक छात्र छात्रा सब के लिए खेलकूद के लिए रहल एक कार्यक्रम के वक्ता सब बतौलक कैंपस के उचित व्यवस्थापन आ कैंपस के भौतिक स्थिति संरचना अध्यापन शैली तथा अध्ययन के लिए चाही वाला आवश्यक अनुसार के प्रयोगशाला के संगे लैब के सेहो स्थापना करय पड़त वक्ता सब जोर देने कैंपस में अध्ययन कर प्रेरित कर पड़त सेहो वक्ता सब के कहब छल। नेपाल विद्यार्थी संघ कैंपस इकाई कमेटी के सभापति निवेश मंडल के अध्यक्षता में विजयादशमी दियाबाती तथा छठ पावन के उपलक्ष्य तथा हाल महोत्तरी से नेवी संघक केन्द्रीय सदस्य में निर्वाचित भेल विजय राय आ ममता महतो के दोसल्ला ओढ़ा कर सम्मान कल गया
ओहि कार्यक्रममै दुनू नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य सँगै क्याम्पस प्रमुख सुशील पाण्डेकै सेहो सम्मानित कयल गेल छल। नेपाली काङ्ग्रेस महतारीको उपाध्यक्ष श्रीकान्त झाक प्रमुख आतिथ्यमे सम्पन्न ओहि कार्यक्रममे वक्ता सब शुभकामना आदान प्रदान करके सँगै क्याम्पसके वर्तमान स्थिति आ ओहिमे कर सकवला सुधारके विषयमे सेहो चर्चा परिचर्चा कयने छलथि। कार्यक्रममे नेवी संघक पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी सब सँगै शिक्षक विद्यार्थी तथा पत्रकार सबक सेहो उपस्थिति रहल छल। सरकार में जाके विषय में विजय गच्छेदार के पार्टी फोरम लोकतांत्रिक में गंभीर विवाद उत्पन्न भेलै छ। गच्छेदार उप प्रधानमंत्री सहित सरकार में जाय चाहने अछि त अन्य नेता उप प्रधानमंत्री नहीं भेटत त पार्टी सरकार में तैयो जाय पड़त बताने अछि। गच्छेदार असंतुष्ट नेता सब के किछ दिन रुक आग्रह केने छथि। वर्तमान कांग्रेस माओवादी गठबंधन फोरम लोकतांत्रिक के दूटा मंत्रालय देव तैयार अछि। उप प्रधानमंत्री देव प्रधानमंत्री प्रचंड आ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक नहीं छथि। किछ दिन आगू बैसल पार्टी के केंद्रीय समिति के बैसार के बाद कैल गेल पत्रकार सम्मेलन में गच्छेदार उप प्रधानमंत्री सहित दूटा मंत्रालय भेटत सरकार में जाय बताने छलथि। ओ सब आगामी दुर्गा पूजा के सप्तमी धरि रुकके आ ओहि के बाद पार्टी अध्यक्ष संग भेट कर गंभीर बात करके बताने अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रीय हित आ देश के सार्वभौमिकता ऊपर कोनो किसिम के समझौता नहीं करब बतौलने अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध पत्रकार सभक संगठन प्रेस सेन्टर नेपालक पहिल राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन के बृहस्पति दिन काठमाडौँ में उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री दाहाल देश आ जनता के हित में आघात पर जका कोनो किसिम के समझौता नहीं करब बतौलन। ओ नेपाल विविधता से भरल देश हो तो राष्ट्रीय हित प्रतिस्पर्धा आ समझौता के विषय नहीं रहल बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल सब जात जाति वर्ग आ समुदाय के संविधान मार्फत एकताबद्ध कर आवश्यक रहल कहे ते विषय में राजनीतिक दल सब बीच सहमति होब में अपने आशावादी रहल बतौलन। ओ संविधान के सर्वस्वीकार्यता बढ़ाव के लिए सहयोगी भूमिका निर्वाह कर पत्रकार सब संग आग्रह सेहो करथि। दू वर्ष लंबा प्रयास के बाद औद्योगिक व्यवसाय संबंधी नया कानून बनल अछि। व्यवस्थापिका संसद के बृहस्पति दिन बैसल बैसार से उद्योग सब मजदूर सब के काज नहीं करे समय के अवधि के तलब देव नहीं जका औपचारिक औद्योगिक व्यवसाय संबंधी विधेयक बहुमत से पारित कलक अछि। विधेयक पारित भेला के बाद आब उद्योग में कार्यरत कामदार तथा कर्मचारी सब उद्योग के संचालन तथा उत्पादन में बाधा अवरोध पहुंच जका बंद हड़ताल जेहन कार्यक्रम कर नहीं पावत। विधेयक पारित होबे से पहिने नेकपा एमालेक सांसद चुड़ामणि बी के जंगली विशेष आर्थिक क्षेत्र में बाहेक अन्य उद्योग सब कर्मचारी सब के हड़ताल करे के अधिकार देवे पड़त बताने छल। व्यवस्थापिका संसद के कृषि तथा जलस्रोत समिति के सभापति में नेपाली कांग्रेसक सांसद मोहन प्रसाद बराल निर्वाचित भेल छथि। समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैसार से बराल के निर्विरोध निर्वाचित कलक अछि। बराल सिंधुली जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित सांसद छथि। ओ नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद सीता नेपाली के प्रस्ताव तथा नेकपा एमालेक सांसद काशीनाथ अधिकारी के समर्थन में सभापति में निर्वाचित भेल छथि। नवनिर्वाचित सभापति बराल कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान पहुंचे जका कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह करब बतौलन। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय विद्यालय तह के अंतिम खुड़किला के रूप में लेल जाय वाला प्रवेशिका एसएलसी परीक्षा दू तह में कर शिक्षा मंत्रालय समक्ष प्रस्ताव कलक। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय हाल गठन भेल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड तथा सरकार वाला संघ परामर्श का मंत्रालय समक्ष बुधदिन एहन प्रस्ताव कलक। पनिका के प्रस्ताव अनुसार कक्षा 10 के अंत में एक बेर आ कक्षा 12 के अंत में अंतिम बेर एहन परीक्षा संचालन कयल जात उल्लेख अछि। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली भाषा में किस समय एम्हर देखल गेल विवाद संबंध में अध्ययन का सुझाव देव विज्ञ सब के समिति गठन कलक। प्रतिष्ठानक प्राज्ञ परिषद के बैसार से प्राध्यापक डॉक्टर चूड़ामणि बंधु के संयोजकत्व में प्राध्यापक डॉक्टर नवल किशोर राय आ सह प्राध्यापक हेमनाथ पौडेल सदस्य रहल समिति गठन कलक। प्रतिष्ठान बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कह कर नेपाली भाषा के विकास प्रति नकारात्मक प्रभाव पार जका बहस आ छलफल चलाओल गेल कारण समिति गठन कयल गेल जानकारी दलथ। प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव प्राध्यापक डॉक्टर जीवेन्द्र देव गिरी समिति के 2040 साल से प्रकाशित नेपाली वृहत शब्दकोश के विभिन्न संस्करण से परिमार्जन करित काल भेल प्रयोग के अध्ययन का सुझाव देव के मैंडेट देल गेल बतौलन। आप इकोनॉमिक न्यूज
सरकार दू महीना पहिने फेल भेल बजेट सँग सम्बन्धित तीनटा विधेयक संसदमे हुबहु पेश कयलक अछि। सरकार बजेट सँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्रिय ऋण उठाबके विधेयक आ ऋण सभा ऋण तथा जमानत 21 संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदके बृहस्पति दिन बैसारमे पेश कयलक अछि। बीतल साउन 7 गतेके संसद बैसारमे अपने फेल करौने विधेयकके नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाली कांग्रेसक गठबन्धन सरकार बृहस्पति दिनके बैसारमे हुबहु पेश कयलक अछि। संसदके एकैटा अधिवेशनमे वह विधेयक दोहरा कर पेश कर नहीं पाबे के व्यवस्था है, मुदा सरकार व्यवस्थापिका संसद में नियम निलंबन करावल लगा कर विधेयक पेश कलक। बीतल साउन 7 गते के बैसार में नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता कृष्ण बहादुर मारा आर्थिक विधेयक में प्रस्तावित कर के दर सब अव्यवहारिक आ एकाधिकार पूंजीवादी रहल कहत विधेयक पारित कर सहयोग नहीं करब बताने छल। नेपाल टेलिकम दशमी दियाबाती आ छठ के पाबिन के अवसर में 40 रुपया में 500 मेगावाइट MB डाटा चलाव देवला है। कंपनी पाबिन सबके लक्षित क अन्य नाइट डाटा ऑफर में सहभागी भाव उपभोक्ता 40 रुपया में 500 MB डाटा चलाव सकत। ई डाटा पैकेज के समय अवधि 7 दिन के देल गेल है। ई योजना में सहभागी ग्राहक सब रात के 10 बजे से भिनसर 6 बजे धरि मात्र इंटरनेट चलाव सकत। नाइट डाटा ऑफर अंतर्गत उपभोक्ता 85 रुपया में 1200 MB डाटा चलाव सकत। अब इंटरनेशनल न्यूज। रूस सीरिया के एलेप्पो शहर में आक्रमण नहीं रोकलक सीरिया संघक वार्ता तोड़के अमेरिका चेतावनी दिलक। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी रूसी समकक्षी सेर्गेई लावरोव के फोन कक एलेप्पो शहर में रूस आक्रमण कर रहा दावी करते ओह नहीं रोकल गल सीरिया संघक वार्ता तोड़के चेतावनी दिलन। अमेरिकी विदेश विभाग वार्ता स्थगित कर के तैयारी सेहो कने BBC चैनलक। एक हफ्ता पहिने युद्ध विराम भंग भेला के बाद एलेप्पो शहर में भीषण हवाई आक्रमण भ रहा है। विद्रोही समूह के कब्जा में रहल पूर्वी हिस्सा में करीब 2.5 लाख लोग सब फंसल है। ये सब रूस समर्थित सीरियाली सेना के घेराबंदी के कारण फंसल है। इस क्षेत्र में पिछला 5 वर्ष जारी संघर्ष में अखन के आक्रमण बरका रहल खबर में उल्लेख है। अमेरिका ये आक्रमण रूस के ने आरोप लगवैत आयल है, मुदा रूस इस घटना में अपन संलग्नता नहीं रहल बतवैत आयल है। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। निर्वाचन एकटा खेल है। निर्वाचन आयोगक आयुक्त इला शर्मा के कहब खेल में हार आ जीता वाला दुनू पक्ष के आयोग संतुष्ट करत। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग में विवाद, एकटा सदस्य सर्वोच्च अदालत पहुंचल। जनकपुरक पोखर व्यवस्थापन जटिल बनि रहल, जनकपुरवासी गंदगी से परेशान। माओवादी केन्द्र निकट पत्रकार सभक संस्था प्रेस सेंटर नेपाल अपन नेता छनौट कर रहल, प्रधानमंत्री द्वारा अधिवेशन उद्घाटन। आ रूस सीरिया के एलेप्पो शहर में आक्रमण नहीं रोकलक तो सीरिया संघक वार्ता तोड़ के अमेरिका की चेतावनी। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।